बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। ये वर्ड्स एडिटोरियल, ओपिनियन और फ्रंट पेज से लिए गए हैं। न्यूज़पेपर की डेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टोटल 5 वर्ड्स आज हम सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। पहला वर्ड है निक्स, फिर है फ्लाउंडर, फिर है लॉकस्टेप, फिर है पॉलिटिकिंग और फिर है स्कर्ज। निक्स एज ए नाउन भी यूज होता है और एज ए वर्ब भी यूज होता है। तो निक्स जब एज ए नाउन यूज होगा तो इसका मतलब होता है नथिंग, और जब ये एज ए वर्ब यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को नो कह के रिजेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, कोई ओपिनियन है या किसी का कोई आइडिया है तो आप उसको नो कह के रिजेक्ट करते हैं, जिसको वीटो भी कह सकते हैं। सेंटेंसेस का देखते हैं। द टीम हैज वॉन निक्स दिस सीजन, यानी कि यहाँ पे नथिंग के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है निक्स का वर्ड। और वी क्विकली निक्स्ड द आइडिया ऑफ गोइंग टू द म्यूजियम, यहाँ पे रिजेक्ट करने के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम इसके होंगे डिक्लाइन, डिनाई, डिसअलाउ, डिसअप्रूव, रद्द करना इसको उर्दू में कहा जा सकता है। सेकेंड वर्ड है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर वर्ब है। फ्लाउंडर का मतलब होता है किसी बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में होना, टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड टू बी इन डेंजर ऑफ फेलिंग कम्प्लीटली। इसके अलावा इसको उस वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर किसी किस्म की स्ट्रगल को एक्सप्लेन करना, जैसे अगर कोई बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन में उसको समझ में ना आ रहा हो कि आगे किस तरह से बढ़ना है, आगे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ने कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक चूज़ किया हुआ था और आपने बाद में उसको रिप्लेस कर दिया किसी और सब्जेक्ट से, तो फिर आप उसमें उस वक्त एम्बिगुअस हों और आपको समझ में ना आए कि अब आपने क्या करना है, तो उसके लिए भी फ्लाउंडर का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और मतलब फ्लाउंडर का होता है जब कोई मड में फंस जाए या वाटर में और उसको समझ ना आए कि उसमें कैसे मूव करें उससे या उससे कैसे निकलें। टू स्ट्रगल टू मूव और गेट समवेयर इन वाटर और मड एक्सेट्रा। अब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं। हिज अब्रप्ट चेंज ऑफ सब्जेक्ट लेफ्ट हिम फ्लाउंडरिंग हेल्पलेसली, यहाँ पे स्ट्रगल के मीनिंग में ये इस्तेमाल हो रहा है जो हमने ये वाला मीनिंग देखा था। सेकेंड, द न्यू डेमोक्रेसी देयर कंटिन्यूज टू फ्लाउंडर, सिनोनिम इसका स्ट्रगल होता है और फिसल जाना या फिर ठोकर खाना इसको उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लॉकस्टेप। लॉकस्टेप कहते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि परेड हो रही है और सबके जो कदम हैं वो एक ही टाइम पर उठ रहे हैं, और ये देखें कितनी साइंक्रोनस है सब, तो इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं लॉकस्टेप, यानी कि इकट्ठे कदम उठना। सो ए वे ऑफ वॉकिंग टुगेदर वेयर पीपल मूव देयर फीट एट द सेम टाइम, एंड दिस हैपन्स व्हेन परेड में। एक और मीनिंग लॉक स्टेप का होता है, हम इसको रिलेट करके देखेंगे लॉक स्टेप से ही। जैसे लॉक स्टेप में सब कदम इकट्ठे उठ रहे हैं, उसी तरह से इकट्ठा ही कोई चेंज आए। सो इट्स सिचुएशन वेयर थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम और चेंज एट द सेम रेट। जैसे अब जो ये पेंडेमिक है, इससे जो भी कुछ जिस तरह से इसका स्प्रेड हुआ ये पूरी दुनिया में हुआ, ऐसे भी इसको कंसिडर किया जा सकता है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं। द कॉफिन वॉज कैरीड बाई 6 सोल्जर्स वॉकिंग इन लॉक स्टेप, जैसे भी रिसेंटली आपने देखा होगा प्रिंस फिलिप की जो फ्यूनरल थी उसमें सोल्जर्स कैसे एक ही तरह से स्टेप उठाते हुए वो कॉफिन को ले जा रहे हैं। केसेस ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज इंक्रीज इन लॉक स्टेप विद एयर पोल्यूशन, इसके सिनोनिम है ड्रिल, ग्राइंड, ग्रूव या फिर पैटर्न, और लोगों की कतार का बाकायदा उठता हुआ कदम, ये उसको उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटिकिंग। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए। सेंटेंस देखते हैं। न्यूज ऑफ दिस अनसीनली पॉलिटिकन इनवेरिएबली लीक्स इन टू द प्रेस, सिनोनिम इसके होंगे कैंपेनिंग, कैंडिडेचर, कैनवसिंग, सियासी सरगर्मी में शामिल होना इसको कहते हैं। लास्ट वर्ड जो हम आज सीख रहे हैं वो है स्कर्ज। स्कर्ज नाउन है और स्कर्ज के 2 मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग इसका होता है, जैसे आप इस शख्स के हाथ में देखें एक इंस्ट्रूमेंट है मारने वाला जिसको चाबुक कहा जाता है उर्दू में, तो एक मीनिंग ये है इसका।
और एक मीनिंग इसका होता है अगर कोई शख्स या फिर कोई चीज़ डिफ़िकल्टी और ट्रबल प्रोड्यूस करे. सेंटेंसेस देखते हैं. इन्फ्लेशन वॉज द स्कर्ज ऑफ द 1970s. यहाँ पर डिफ़िकल्टी के मीनिंग्स में इस्तेमाल हुआ है ये वर्ड. सिनोनिम्स इसके होंगे फ्लॉगर, लैश, स्विच, विप. और उर्दू में इसको कहते हैं चाबुक. इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट सेक्शन में लिखें. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.